आज संविदा आउटसोर्स कर्मचारियों की हड़ताल के विषय में आइए पूरी जानकारी लेकर आए हैं मोटिवेशनल चैनल के माध्यम से। आइए बात कराते हैं आपके लिए हमारे कर्मचारियों से। जो उठाता है हमारी मांगे मनवाने की एक ही सीढ़ी रखना है जरूरी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। को मेरा प्रणाम। आज सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारे मुख्य संगठन तकनीकी कर्मचारी संगठन, विद्युत अधिकारी कर्मचारी कल्याण संघ, आउटसोर्स के बाहर स्रोत बिजली कर्मचारी संगठन एवं हमारे विंध्य आउटसोर्स संगठन एवं भोपाल के जो संगठन है आउटसोर्स के, उन सभी की वार्ता हुई और इस वार्ता में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि हमारे द्वारा जो नियमावली जारी की गई है उस नियमावली के आधार पर आगामी आंदोलन संचालित किया जाएगा। और सर्वसम्मति से इसे निर्णय लिया गया कि माननीय पीएस महोदय के द्वारा जो 15 दिवस का हमें समय दिया गया है, उस समय सीमा में अगर माननीय सीएम साहब के साथ हमारी वार्ता नहीं होती है तो जो आखिरी पत्राचार हमारा हुआ था उस आधार पर हम दिनांक 21 तारीख से अनिश्चितकालीन काम बंद की घोषणा करते हैं। और जितने भी हमारे प्रदेश के संविदा अधिकारी कर्मचारी, आउटसोर्स बंधु, नियमित हमारे कैडर के सभी कर्मचारी हैं, मैं सभी से इस आह्वान में पूर्ण सहयोग की आशा करता हूं एवं इस आंदोलन को सफल बनाने की कामना करता हूं। धन्यवाद। ठेका कर्मचारी और करीब 5000 संविदा कर्मचारी लंबे अरसे से, पिछले 5 वर्षों से सरकार को 500 से अधिक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित कर विभिन्न कलेक्टरों के माध्यम से सौंप चुके हैं, लेकिन अब तक माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा नहीं होने से हमारे आउटसोर्स और संविदा कर्मचारी में घोर निराशा है। इसलिए हमें विवश होकर निर्णय लेना पड़ा है कि अगर 21 तारीख के पहले माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे आउटसोर्स और संविदा के प्रतिनिधिमंडल को आमंत्रित नहीं करते हैं तो हमारे आउटसोर्स, संविदा और तकनीकी कर्मचारियों को संयुक्त रूप से, सामूहिक रूप से 21 जनवरी 2023 से आंदोलन पर विवश होना पड़ेगा, काम बंद करने पर विवश होना पड़ेगा, जिसकी पूर्ण जवाबदारी सरकार की होगी। इसलिए हम ये आग्रह करते हैं सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत जल्दी हमको चर्चा के लिए आमंत्रित कर बीच का रास्ता निकालें ताकि किसी भी प्रकार से जनता को कोई असुविधा ना हो। मनोज भार्गव, प्रांतीय संयोजक, मध्य प्रदेश बिजली आउटसोर्स कर्मचारी संगठन।